भाई गाड़ी ना हमने पेड़ के नीचे खड़ी करी थी, अब सारे पेड़ पौधे ना अंदर घुस गए होंगे। ओ भाई साहब। भाई काम कुम करा के ना लोग पैसे नहीं देते हमारी फील्ड में ना, ये बड़ा कॉमन है। एक नई गाड़ी की खोज ना मैंने शुरू कर दी है। भाई तेरा भाई आज गाड़ी लेने आया था करोल भाई। गाड़ी तो ठीक है, जो तू गाड़ी देखी है ना तूने, 17 लाख रुपए की। ज्यादा महंगी नहीं है भाई ये? हाँ इसी की बात कर रहा हूँ भाई। हमारी गाड़ी में ना मेहमान आ चुके हैं, 50 रुपए पर बंदा है भाई साहब। ओए नहीं नहीं बैठ जाओ। हर बंदा देखता है, हर बंदा उड़ के देख रहा है। अंकल जी भी चेकआउट कर रहे हैं बढ़िया से। काम वैसे तो 1,70,00,000 की है, तेरे लिए 17 लाख डिस्काउंट कर दी यार। आपको बाइक लेनी है, बाइक ले लो। भाई को गाड़ी क्यों दे रहे हो यार? तो जी नए दिन की शुरुआत सीधा गाड़ी में। अबे यार इसमें इतना सारा सामान पड़ा है। शिट कोई बात नहीं, एक सामान और डाल देते हैं, बट भाई इसको भी सेटल करना पड़ेगा। और निकलते हैं जी पार्किंग से फटाफट, बहुत तगड़ा प्लान है आज का। भाई साहब अपने किशनगढ़ में से निकलना ना कई बार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। जैसे कि निकलो भैया, क्या दिक्कत है? मेरी गाड़ी निकल गई, आपकी नहीं निकल पा रही। सो भाई आंटी जी देख रहे हो कहाँ तक आ रखी हैं, भैया बच्चे उधार रहे हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? स्वागत है खन्ना भाई की ज़िंदगी के एक और नए हसीन दिन में। अब ये दिन हसीन होगा कि नहीं होगा ये तो पता चल जाएगा। बट जी हाँ, एक नई गाड़ी की खोज ना मैंने शुरू कर दी है। ये खोज कहाँ तक मेरे को लेके जाती है ये देखने वाली बात होती है, लेकिन अभी के लिए तो भाई निकल चुका हूँ नोएडा। मेरे को जाना है, मेरे को मेरे दो दोस्त ज्वाइन करेंगे जो हेल्प करा रहे हैं मेरी गाड़ी ढूंढवाने में। दूसरी बात ये बेल्ट अभी लगा लूँ, इतनी देर में आपको कमेंट आया। भाई बिल्कुल अभी निकला ही हूँ, रोड भी नहीं आया, बस घर से अभी निकला, गाड़ी में बैठा, व्लॉग चालू कर दिया। मैं कहा यार हाल चाल अपडेट करता रहता हूँ ना आपको, क्योंकि भाई गाड़ी ले रहा हूँ मैं फाइनली। बहुत टाइम से सोच रहा था, पहले सोच रहा था कि लूँगा एकदम से ही धप्पा कर दूँगा कि भाई गाड़ी ले ली, गाड़ी ले ली, गाड़ी ले ली। बट मैं कहा जी यूट्यूबर हूँ, क्यों अपना कॉन्टेंट वेस्ट करूँ इतने दिन का। तो बात चल रही थी किसी से, अब पहले वहाँ गाड़ी देखने जा रहे हैं। सो गाड़ी नहीं दिखाऊँगा आपको एग्जैक्ट, बट हाँ थोड़ा बहुत फील तो दे ही दूँगा कौन सी गाड़ी देख रहा हूँ, छोटी देख रहा हूँ, बड़ी देख रहा हूँ, वो आपको सब पता चल जाएगा। बट हाँ गाड़ी लूँगा, ये गाड़ी भी एकदम ब्रांड न्यू जैसी ही मैंने ली थी भाई, मतलब ली क्या थी, ली थी ब्रांड न्यू ही ली थी, शोरूम से ली थी ये गाड़ी। मैंने बहुत पहले ली थी, इस गाड़ी को 4 साल हो चुके हैं। बट हाँ भाई हाईवे पर ना थोड़ा बहुत दिक्कत देती है गाड़ी है, क्योंकि ना भाई पावर इसमें इतनी नहीं है जितनी मेरे को चाहिए होती है। बाकी यार अभी ना मेरा रिसेंटली एक ब्रांड ने काटा है, मतलब भूटान वाले ट्रिप पर मैंने एक स्पॉन्सर उठाया था और उसने मेरा काट दिया। भाई काम कुम करा के ना लोग पैसे नहीं देते हमारी फील्ड में ना, ये बड़ा कॉमन है। जहाँ आपने ट्रस्ट करा ना, देखो मेल वगैरह पे जहाँ पे आपने सारी चीज़ें ले ली वहाँ पे तो सही है, जहाँ पे आपने फ़ोन पे बोला ना भाई कोई दिक्कत नहीं यार हम दिल से काम कर देंगे, तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, वहाँ भाई आपके पैसे मरते मरते हैं, ये कन्फर्म हो गया आज मेरे को। बाकी कोई बात नहीं यार, मैं तो एक चीज़ में ना बड़ा बिलीव करता हूँ कि कोई पैसे ले लेगा किस्मत नहीं लेगा, है ना। कोई बात नहीं, बाकी एसी बंद कर करके व्लॉग करते हैं। ट्रैफिक लगा हुआ है बढ़िया, बहुत लंबी बत्ती चल रही है। एक बार ये ख़त्म हो इसके 5-7 मिनट में ही हम पहुंच जाएंगे अपनी लोकेशन पे, फिर ना शायद से गाड़ी शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यार इसमें ना बहुत सारा सामान पड़ा है। इस गाड़ी को यहीं छोड़ देंगे रस्ते में ही, मतलब रस्ते में छोड़ देंगे और दूसरी गाड़ी के अंदर सारे भाई शिफ्ट हो जाएंगे, फिर चलेंगे गाड़ी देखने। बाकी यार लास्ट वाले व्लॉग का ना कमेंट सेक्शन बड़ा तगड़ा था यार, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। मेरे ना बाल खराब होंगे यार, मेरे को पता नहीं चला, मेरे साथ ओला हिसाब नहीं है यार, पूरी एकदम लाल लिपस्टिक लगा के पहले खुद को रेडी करो उसके बाद व्लॉग करो। भाई मैं तो मुँह भी नहीं देखता अपना सच्ची, और जब मैं हेलमेट उतारता हूँ तो हाँ भाई बाल खराब हो जाते हैं। भाई इतने सारे कमेंट भाई बाल आपके वैसे लग रहे हैं, सिंचन जैसे लग रहे हैं, वैसे लग रहे हैं कार्टून। मतलब मैं तो अभी रेड लाइट पर रुका था, ऐसे ही कमेंट सेक्शन मैंने खोल लिया था, हंसी आ गई भाई एक बारी को। तो मैं कहा यार ये चीज़ तो भाई है खतरनाक, आप लोगों के कमेंट ना कई बार बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अरे भाई खिड़की बंद रखा करो यार। भाई भाई का बर्ड देखो कितने सारे आसमान में बर्ड जी बर्ड मर के। सो गाइस आपको ना हवा की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि हमारी गाड़ी में छत नहीं है, पीछे डिग्गी नहीं है, आगे इंजन नहीं है, गाड़ी के अंदर टायर नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइस। बाकी मजाक कर रहा हूँ, हमें नोएडा जाना था लेकिन चेंज ऑफ द प्लान, जिस बंदे से हमें नोएडा में मिलना था वो CP में आ गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं CP में। 1 से 3 हो गए, एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। बाकी भाई गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है वाली गाड़ी में। नेचुरल्स की आइसक्रीम ना, हाँ यार ऑल टाइम फेवरेट। भाई साहब जुगाड़ तो बहुत देखे हैं, लेकिन ये वाला जुगाड़ बहुत तगड़ा है, डिक्की में भैया ने कुंडी लगा रखी है, तो यार ताले का भी ऑप्शन हो रखा है। सही है भाई, सही है भाई, गाड़ी में ना हर बंदे का रिएक्शन बहुत तगड़ा आता है, हर बंदा मुड़ के देखता है, हर बंदा मुड़ के देख रहा है। अंकल जी भी चेकआउट कर रहे हैं बढ़िया से। था भाई गाड़ी की बातें चल रही है, भाई इधर भी कुंडियाँ घूम रही हैं, देख देख के जा रहे हैं सब के सब। चलो भाई गाड़ी हम देख रहे हैं, अब जिंदगी में बस पैसे की कमी है।
गाड़ियों की तो कमी नहीं है, बाकी अभी आपको ज़्यादा गाड़ी दिखाएंगे यार हम गाइस, ठीक है ना। बस डील डूल चल रही है, देखते हैं जो भी रहता है। जैसे ही हमने गाड़ी वोड़ी देखी ना और हमारा जो डिसीजन था वो हमने दे दिया, अब आगे देखते हैं जो भी रहेगा। सो एक शॉप पे आए सिटी में, यहाँ पे ना ये सारी बचपन की जो आइटम है ना वो सब मिल रहा है, ये लिए हमने बहुत सारे, ठीक है एवरेज। वाह भाई, गाड़ी ना हमने पेड़ के नीचे खड़ी करी थी, अब सारे पेड़ पौधे ना अंदर घुस गए होंगे। ओ भाई साहब, भाई ये देखो अंदर इतना पेड़ पत्ता घुस गया भाई, ये पिज्जा सही ले लिया इसने, ओरिगेनो चाहिए ऐसे खा लो भाई देखो इतना क्लोज आया रोड से, देखो कितना क्लोज आ गया इसका टायर, बहुत दिक्कत होती है भाई से चलाने में। सो जी हम लोग पहुँच चुके हैं नेचुरल्स, बहुत पसंद है यार यहाँ की आइसक्रीम, और बड़े दिनों के बाद सीपी आए हैं ना तो मैं कहा आइसक्रीम खा लेते हैं। तो तोड़ 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 भाई बम्पर तोड़, ओए बम्पर दबा दिया भाई इसने, बम्पर टेढ़ा कर दिया देखो। जैसे ही आइसक्रीम आई ना कसम से ब्लॉक करना ही भूल गया, मेरा फेवरेट है भाई, एक ही आइटम खाता हूँ मैं नेचुरल्स की, टेंडर कोकोनट और रोस्टेड आलमंड, ऑल टाइम फेवरेट, मज़ा आ गया। सो भाई बढ़िया आइसक्रीम खा के वापस गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, हमारी गाड़ी लोड हो चुकी है बंदों से और हम निकल रहे हैं भाई, कितने पत्ते कट्टे हो गए भाई, और हम लोग निकल रहे हैं सीधा करोल बाग। अब ना ये हो गया जिंदगी में कि गाड़ी लेनी है, अब कैसे मिलेगी पता नहीं, मिलेगी पैसे दे के पैसे ही नहीं है यार। चलते हैं इस करोल बाग लेके, चलते हैं आपको भी। एंड जी हम लोग पहुंच चुके हैं करोल बाग, अब ना आपको वाली गाड़ी दिखाता हूँ जो मेरे को लेनी है भाई, देखते चलिए यहाँ पे कहीं गाड़ी तो नहीं खड़ी, ये भी पता नहीं, ये वाली तो नहीं है भाई। तो भाई हम तो पहुँच चुके हैं लेकिन हमारी गाड़ी नहीं आई। सो जी गाड़ी अपनी वहाँ पे लग चुकी है और अब इस वाली गाड़ी को भी लगाते हैं फटाफट पार्किंग में भाई, वीडियो बनाने लगा ये भर के लिफाफा लेकर आए थे टोपियों को सारा पार कर दिया इसके हाथ ही, वो देखो कहाँ है वो देख भाई उसके हाथ में गिन रहा है भाई, तेरा भाई आज गाड़ी लेने आया था करोल बाग, गाड़ी तो ठीक है जो तू गाड़ी देखी है ना तूने 17 लाख रुपए की, ज्यादा महंगी नहीं है भाई ये, हाँ इसी की बात कर रहा हूँ, वैसे तो 1,70,00,000 की है तेरे लिए 17 लाख डिस्काउंट कर दिया है, चल कुनाल घर चलते हैं भाई बेटा, इसको ये वाली मत बोलो यही मैं ईट नहीं लगा के, अब समीरन बेटा ईट ले आ जरा दूर से, इनको बताएं थार का गेट खोल के बैठ जाओ उसके अंदर, एक सेकंड सर आप मेरी थार से पलटा करेंगे प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कर लेगा ओए, और नहीं पागल है क्या, कर लेगा कितने की, 17 लाख 18 लाख की थार, 20 लाख की थार, 20 लाख इसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू कोई पलटा नहीं, कोई पलटा रख लो हम निकलते, सॉरी सर, बाय सर, अच्छा लगा आपसे मिलके, मस्टैंग वस्टैंग हो तो आपके बात करना, जब कोई वैल्यू नहीं तो फिर मस्टैंग क्यों आया था, मस्टैंग जितने में तो जी आज का पूरा दिन ना हमारा ऐसे ही निकल गया, 8:30 हो गए शाम के, अब यहाँ से निकल रहे हैं और अब उठानी है मेरे को अपनी बाइक, भाई भी निकल रहे हैं यहाँ से, हम भी निकल रहे हैं यहाँ से, सो भाई कैसे मर्जी ले लो, लाओ मैं ले लेता, भैया ने अभी हमें रोका, भैया गाड़ी कैसी लग रही है, एक नंबर भाई, हमारी गाड़ी में ना मेहमान आ चुके हैं, 50 रुपए पर बंदा है भाई साहब, ओए नहीं नहीं बैठ जाओ, आ जा यार आ जा, गाड़ी सही लग रही है, नाम क्या है, नाम क्या है, अनस, अनस भाइयों को, भाई भाई नहीं आ रहे यार, भाई वीडियो में आ जाओ, बोलो 20 रुपए ले लूंगा, आ जाओ 20 रुपए देंगे, आ जाओ, ओ मैं नहीं दूंगा, लूंगा इनका नाम कृपा ने, इसका नाम सुखान है, अरे वाह। सो जी फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी बाइक के पास, स्टार्ट कर दे अंदर ही, नहीं कितना बदतमीज है, पूरी बिल्डिंग भम 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 भम, इसमें हां जी स्टॉक हेडर है यार, अभी जब कल एग्जॉस्ट लगेगा ना इसका, तुम रहने दो, आसपास के पड़ोसी पता कितने किलस लेते हैं, इस आवाज में भगवान कसम, पता है दो बार तो आंटी अगली बार सामने लगा थी, हम सोने दो, भाई अभी तो अपने भाई लोग कह रहे हैं कि यार आपने एग्जॉस्ट नहीं डाला हुआ, हमें समझ नहीं आ रही, हमें आवाज का मजा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, इस चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी ना इसके हेडर मंगवा लिए, हाँ सो इसके फाइनली हेडर आ चुके हैं भाई, स्टॉक में यहाँ पे इतनी दिक्कत है, गलती से अब जो लग जाएगा इसमें हेडर उसके बाद, हाँ भाई कोई बात नहीं, पैंथर अपना बाहर आ रहा है, बाहर ही स्टार्ट कर लेंगे गाइस इसे, बाकी यार एक दिक्कत और हो गई है, मैंने हेलमेट तो ना अपना कुनाल को बाइक के साथ दे दिया था, बट इसका ना मैंने ये उतार दिया था माउंट, पर अब मेरे को ना कुछ भी करके मोटो ब्लॉक करना है, कुछ भी करके मोटो ब्लॉक करना है, क्योंकि भाई मेरा बहुत मन है मोटो ब्लॉक करने का, कर दो भैया स्टार्ट, भाई साहब क्या ही बोलूं यार, मैंने कहा था ना कि मैं मोटो ब्लॉक करूंगा, गोप्रो डेड बर्ड है, लिटरली से चार्ज पे लगा कर आया था और अब ये डेड बर्ड है यार, क्या किस्मत हो रखी है यार, क्या किस्मत हो रखी है, ब्लॉक करना है भाई मेरे को आज, भाई मैंने हेलमेट पे गोप्रो जो लगाना था ना वो मैंने गाड़ी में रख के चार्ज कर लिया था, अब थोड़ा बहुत चार्ज हो गया होगा, अभी ना मेरे को शुभम भाई मिल गया, क्या ये भाई मैनेज कर रहे हैं, जिनका मैंने लास्ट वीडियो में नंबर डाला था ना
किसी को हमारे पर करने ठीक है भाई। मैंने जहाँ ये बोला था ना कि इसको फोन नहीं करना, ये कह रहा है इस बार इतने फोन आ रहे हैं कि भाई मैं पागल हो चुका हूँ। एक आधे भाई ने गाड़ी भी दे दी यार, आपको बाइक लेनी है बाइक ले लो, भाई को गाड़ी क्यों दे रहे हो यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको बाइक चाहिए अब बाइक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप भाई से मिलवा भी देंगे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। देखो जब तक ये वीडियो आ रही है ना तब तक मेरी हिमालयन बिकी नहीं है, बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, अभी तक हमने फाइनल नहीं करा किसको देनी है, जेन्युइन बंदे को ही देंगे। फिर बोलूँगा लास्ट वाला वीडियो एक बार आप चेकआउट कर लेना, उसके अंदर भाई का नंबर दे रखा है, एक बार आप भाई से डिटेल्स ले सकते हो। अगर आपको हिमालयन परचेज करनी है तो करनी है तो करना, वरना परेशान करने के लिए बिल्कुल मत करना भाई। क्या बोल रहे हो, गाड़ी में बैठती कह रहा है भाई मुझे किसी ने गाली बोली। चलो भाई बाय बाय, निकलते हैं हम घर को, भाई लोग भी जा रहे हैं किसी काम से और हम लोग जाएंगे अपने पैंथर पे। गाइस कल के वीडियो में आपको ना इसके अंदर बहुत लाउड आवाज़ देखने को मिलेगी, ये है बड़ा लेकिन भाई रॉकेट आवाज़ है इसकी, बहुत ही ज़्यादा बेसी आवाज़ है, गूंजती है आवाज़। चलो जी बाय बाय। मैंने आज ठान लिया था भाई कि आज तो मोटो व्लॉग करना है, करना है मतलब करना है, क्योंकि भाई पैंथर चलाओ ना तो इतना मन करता है ना बातें करने का, इतनी सारी कि आपको क्या ही बताऊं, बड़ा अच्छा फील होता है यार इस पर जितनी बार भी बैठता हूं। ऊपर से हिमालयन फिर बोलूंगा अभी तक सेल नहीं हुई, लास्ट वीडियो में शुभम भाई का नंबर मैंने डाला है, नंबर पर व्हाट्सएप डाल देना अगर इंटरेस्टेड हो तो, एक आधे दिन की कहानी है, क्या पता जब तक ये वीडियो आ रहा हो सेल हो गई हो भाई, बट हाँ प्रेजेंट टाइम तो अभी तक सेल नहीं हुई, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई को आप कॉल कर सकते हो। फॉर्च्यूनर वाले भैया इतनी तेज भाई फुल स्वैग में चला रहे हैं, मेरे को यार फॉर्च्यूनर बहुत पसंद है, हे प्रभु बस एक फॉर्च्यूनर दिला दो यार, कसम से मेरा बजट नहीं है फॉर्च्यूनर लेने का, मैंने सोचा था कि मैं मतलब बड़ी गाड़ी लूँगा बट सच्ची नहीं यार मेरा इतना बजट ना नहीं जा रहा, तो मैं एक ऐसी गाड़ी देख रहा हूँ यूज्ड में जो मेरी टियागो से एक अपग्रेड हो जाए, समझ रहे हो ना गाइस, नॉट मच एक्सपेंसिव कि जिसके मैं खर्चे झेल ना पाऊँ, तो हाँ अपग्रेड तो करेंगे। लेफ्ट टर्न फ्री है लेकिन भैया जा नहीं रहे, हमने न्यूट्रल भी कर दी थी गाइस। सो भाई मेरे को एक चीज़ और बताना, आप में से किस किस को फॉर्च्यूनर पसंद है, मतलब देखो भाई दो टाइप की ऑडियंस रही है अपने इंडिया में शुरुआत से, एंडेवर वाली और फॉर्च्यूनर वाली। पहले मेरे को एंडेवर पसंद थी, बट अगर आप रिलायबिलिटी की बात करो, आफ्टर सेल की बात करो, सर्विस कॉस्ट की बात करो, स्पेयर्स की बात करो, मॉडिफिकेशंस की बात करो, ये देखो रॉन्ग साइड प्रगति मैदान जैसे रोड पे क्या बात है, तो भाई फॉर्च्यूनर हाँ दिल जीत लेती है, रो गाड़ी है एक नंबर फील है भाई, रोड प्रेजेंस एक नंबर है एक नंबर। तो भाई आपको क्या पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, अपना तो है यार मतलब बड़ी गाड़ी में ना फॉर्च्यूनर बहुत पसंद है यार, कल को मैं अगर फॉर्च्यूनर लूँगा ना गाइस तो ये क्लिप यूज़ ज़रूर करना, स्टोरी पे टैग ज़रूर करना, रिव्यू ज़रूर बनाना भाई, कसम से बहुत पसंद है फॉर्च्यूनर, हे प्रभु दिला दो बस। देख रहे हो फॉर्च्यूनर की बात हुई, टेम्प्ररी नंबर वाली फॉर्च्यूनर दिख गई, लेजेंडर है यार, ओए होए 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 होए। बाकी यार महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियों के सपने देखते देखते मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर के पास, बहुत दिनों के बाद आर आर को राइड करा, आई थिंक 3-4 दिन हो गए होंगे इस बात को जब से मैंने इसके ऊपर राइड दी है, और आई थिंक मोड व्लॉग भी मैंने बड़े दिनों के बाद करा है क्योंकि मेरा हेलमेट था नहीं जब मैं लास्ट हिमालयन चला रहा था, बड़ा अच्छा लगा भाई इतने दिन के बाद हमने व्लॉग स्लॉग करे ना, मज़ा सा आ गया भाई, मौसम अच्छा है, ये बस थोड़ा सा ही टाइम और बचा है जो मौसम अच्छा है, इसके बाद तो भैया जो गर्मी पड़ने वाली है ना बैंड बजा देगी बैंड, फिर तो चलने से रही भैया बाइक। तो भी फाइनली घर पहुंच चुके हैं,